एक विल पत्र शिव जी के चरणों में अर्पित कर दें तो आपके 3 जन्मों के पाप वो सहार लेते हैं। अर्पयामि पाद्यमस्योरग्यं मुखेयात्मनियं सर्वांगेषु स्नानियं समर्पयामि। तिद्रम त्रिद्लम त्रिगुणकारम त्रिनेत्रम च तिधारतम त्रिजनम पाप सहारम एक विल पत्र शिव अर्पणम। अच्छी सुविधाएं हैं, इस बार तो बायोमेट्रिक हो गया है, सब नया था। पिछले साल तो हमने फॉर्म्स भर के खुद दिए थे तो हुआ था, इस बार इनका तो सब जो है वो बायोमेट्रिक रहा। बम बम बोले के दर्शनों के लिए हर कोई उत्साहित है और अमरनाथ यात्रा की शुरुआत की बात की जाए तो वो 1 जुलाई से होगी और उससे पहले जो पंजीकरण आपको करवाना है उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। इस वक्त हम पंजाब नेशनल बैंक में हैं। हम जिनसे बात करें यहाँ के चीफ मैनेजर हैं, उनसे बात करते हैं, सारी जानकारी लेते हैं। सर, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 1 जुलाई से होगी, आज पंजीकरण हो रहा है, क्या क्या लोगों को जो चीज़ें लानी हैं इसको लेकर उनका पंजीकरण यहाँ पर होगा? सर, रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद हेल्थ सर्टिफिकेट जो कि इशू किया जाएगा ऑथोराइज्ड हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट्स हैं उसके द्वारा, वो लेकर के इन पर्सन आना होगा और आधार की अथेंटिकेशन होगी। आधार की अथेंटिकेशन होने के साथ ही उनको यात्रा स्लिप प्रिंट होके मिल जाएगा। फीस इसकी 120 रुपया जो कि बहुत ही नॉमिनल है, वो डिपॉजिट करनी होगी। इस ब्रांच के अलावा पंजाब नेशनल बैंक की 316 ब्रांचें जो हैं अक्रॉस द इंडिया जो आज से रजिस्ट्रेशन कर रही हैं और आखिर तक करेंगे। और अगर बात की जाए एज क्राइटेरिया की तो इसमें कोई एज क्राइटेरिया रखा है कि छोटे बच्चे जो है उनको लेकर या बड़े जो बुज़ुर्ग हैं उनको लेकर? जी जी जी, 13 साल से 70 साल तक के जो व्यक्ति है वो इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। 13 साल के नीचे 70 साल के ऊपर और जो प्रेग्नेंट वूमेंस हैं जिनको 6 हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया है वो रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जेम्प्टेड रखेगी। अगर बात की जाए यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आज आता है, कल आता है, परसों आता है, अपना सर्टिफिकेट लेके आता है हेल्थ को लेकर, यहाँ पर जो फॉर्म रखा गया उसको फिलअप करता है तो रजिस्ट्रेशन कितनी देर में उसका हो जाएगा? एप्लीकेशन सिंगल पेज का फॉर्म है, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन होके रजिस्ट्रेशन स्लिप उसको मिल जाएगी। तो समय सीमा क्या रहेगी यहाँ जो बैंक की टाइमिंग रहती है? वैसे जो बैंक की टाइमिंग है उस टाइमिंग के हिसाब से ही रजिस्ट्रेशन होगी। इस साल जो है रजिस्ट्रेशन में श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है, 25 से 30 अभी तक कर चुके हैं, बाकी इन क्यूज़ में हैं, वो भी उम्मीद है कि थोड़ी देर में हो जाए। ये रजिस्ट्रेशन कब तक चलेगी, कितने दिनों तक ये चलती रहेगी? ये रजिस्ट्रेशन 1 हफ्ता पहले ख़त्म होगी यात्रा से, 1 हफ्ता पहले। अच्छा, तब तक पहली तारीख से जो शुरुआत हो रही है उसे 1 हफ्ता पहले ख़त्म हो जाएगा। जी जी जी, मैं ग्रेटर क्लास से हूँ और फर्स्ट डे रजिस्ट्रेशन करवाई है हमने। बहुत ही उत्साह रहता है और पूरे साल इस दिन का इंतज़ार रहता है कि रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगी। लास्ट ईयर भी हम बालटाल रूट से ही गए थे और इस बार भी बालटाल रूट से ही हमने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी जो शिव भक्त हैं और जो शिव भक्त नहीं भी हैं उनके लिए भी, जब हम विलवाष्टकम पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है तिद्रम त्रिद्लम त्रिगुणकारम त्रिनेत्रम च तिधारतम त्रिजनम पाप सहारम एक विल पत्र शिव अर्पणम। यानी कि अगर आप एक विल पत्र शिव जी के चरणों में अर्पित कर दें तो आपके 3 जन्मों के पाप वो सहार लेते हैं। तो हर श्रद्धालु इसी मनोकामना से जाता है कि एक विल पत्र उसका शिव जी के चरणों में अर्पित हो जाए और उसके पाप संहार ले वो, और हम भी इसी मनोकामना से जा रहे हैं। तो मेरा मैसेज यही है कि मैक्सिमम लोगों को जाना चाहिए और शिव जी के दर्शन करके अपना जीवन सफल करना चाहिए। बहुत उत्सुकता रहती है, मैं पूरा साल वेट करती हूँ कि मैं रजिस्ट्रेशन कराऊँ और ज़्यादातर मुझे रहता है कि मैं फर्स्ट डे ही रजिस्ट्रेशन कराऊँ, क्योंकि मुझे हमेशा रहता है कि हम फर्स्ट डे ही दर्शन करें। दर्शन करने से जो सुकून मिलता है वो पूरा साल फिर रहता है। तो ये बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, इस बार तो बायोमेट्रिक हो गया है, सब नया था। पिछले साल तो हमने फॉर्म्स भर के खुद दिए थे तो हुआ था, इस बार इनका तो सब जो है वो बायोमेट्रिक रहा। देश के लोगों से कहूँगी कि अपना पंजीकरण करवा लें और ये जो यात्रा है उसको सफल बनाएं, क्योंकि जितने लोग जाएंगे उतना ही ये सफल बनेगी। कोई भी में कोई भी ऐसा डर नहीं है, या सरकार ने ऐसी कोई भी, सरकार ने बहुत सारी व्यवस्था कर रखी है कि लोग जो है अपने दर्शन जो है वो अच्छे तरीके से कर सकें। और इस साल तो वैसे भी 62 डेज के लिए यात्रा जा रही है। साथ ही साथ अगर दूसरे बैंकों की बात की जाए तो जेके बैंक जो है वहाँ पर भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, SBI है वहाँ पर भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और येस बैंक की बात की जाए तो वहाँ पर भी आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए।